हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूं उसका टाइटल बड़ा प्यारा है, इमर्जिंग इंडिया। मतलब इंडिया जो इमर्ज कर रहा है, और सब जानते हैं, दिस इज इंडिया डेकेड, द पोटेंशियल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड 2022। ये एक्सप्लोर इंडिया का लिंक है, इसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज़रा गौर करें इस टाइटल के ऊपर। तो ये टाइटल बहुत सारा जो है, कहते हैं ना कि एक उमंग लेके आया हुआ है अपने साथ। तो क्या इसमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि हम इसको समझ सकें? क्योंकि देखें, इंडिया तो इस वक्त हर साइड पे हाथ पांव मार रहा है और बड़ी स्पीड से ग्रो भी कर रहा है। कई इंडस्ट्रियां अपने अंडर में लेके आ चुका है और कई लोग इंडिया की इंडस्ट्री को प्रिफर कर रहे हैं दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री से, जो कि साल साल से अपना काम करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है इस गवर्नमेंट में कि ये सब कुछ हो रहा है? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात भी है। चलें पहले इसको हम देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिव्यू देते हैं। This is going to be India's decade. It's not going to be India's decade. It's going to be India's century. So to me, India is very well set up. And the resilience of the market this year, the Indian stock market, in the face of very bearish global. This is the Indian decade. Thank you.
बड़ी प्यारी बात थी इसके अंदर जो कि महसूस करने वाली है। मैं जरा एक बात बताता हूँ आपको कि आपने पहली बात इसके 5G का भी जिक्र इन्होंने किया है, तो ये जो अंबानी जी हैं इन्होंने जो है 5G का पूरा नेटवर्क इंडिया के अंदर जो है अपना शुरू किया, और इसके अंदर शुरू में ही इन्होंने $2 बिलियन जो थे लगा दिए थे, और फिर जो है कामयाबी इनको मिलना शुरू हुई अपने जब इन्होंने जियो कायम किया, तो उसके बाद से इनके जो जितने भी खैर जियो के बाद तो सभी जानते हैं क्या हुआ, लेकिन 5G के अंदर जो इन्होंने कदम रखा अपना ना, तो वो उसी की बेस पे रखा, बेसिकली पोल टू पोल कनेक्शन है 5G का ना, तो इस तरह का नेटवर्क जो है ये मुकेश अंबानी जी बना रहे हैं। तो और ये पूरी मैंने हाल ही में सुना था कि अमेरिका में भी इन्हीं का नेटवर्क जो है यूज़ किया जाएगा 5G को लेकर, इन्हीं की सारी जो भी टोपोलॉजी है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसकी 5G को लेकर खासतौर पर वो इन्हीं की तरफ से की जाएंगी, तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा कि इंडिया जो है ना खुद एक दुनिया है, इंडिया के अंदर खुद एक दुनिया है, मतलब इतनी सारी स्टेट्स हैं और सारी की सारी स्टेट अपनी अपनी जगह फ्लोरिश कर रही हैं, तो क्या बनेगा? आप देख रहे हैं आज के दौर में क्या हो क्या रहा है। किसी बड़े कंट्री को ले लें, आप US ले लें, कनाडा ले लें, सबको जो रिक्वायरमेंट है ना और सबके यहाँ जो क्राइसिस है वो है ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस। आप जरा गौर कीजिए, हर इंडस्ट्री को क्राइसिस हो रहे हैं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, इनके पास राइट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और वो जो है वो स्क्रीनिंग के थ्रू जाते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन राइट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है उनके पास, और राइट ह्यूमन रिसोर्स होने की इनको क्या जरूरत है भाई, जब आप इतना फ्लोरिश हैं आप तो किसी को भी पकड़े नहीं, वजह यही है कि इनके पास राइट ह्यूमन रिसोर्स पहुंचेगी तो ही जाके तो फ्लोरिश होंगे। वो स्क्रीनिंग ही इस तरह की है उनकी कि अगर वो इस एनवायरमेंट से पैसा बनाएगा तो सही रहेगा। इंडिया के अंदर आप जरा गौर करें कि इंडिया को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने आम नागरिक को एजुकेटेड करना है, और ह्यूमन रिसोर्स के पास वहीं के वहीं मौजूद है, और लॉयल ह्यूमन रिसोर्स जो कि मातृभूमि की इज्जत करना जानते हैं, समझ रहे हैं आप, तो ऐसी ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास वैसी मौजूद है और जो कि साला साल यानी सैकड़ों साल से वहीं के वहीं अपने आबाव अजदाद के बावजूद हैं, कि जितने भी लोग हैं सब के सब जो है उसी कंट्री में फ्लोरिश कर रहे हैं, अब तक वहीं रह रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये बहुत पक्की ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया के पास, तो इसके बल पर इंडिया चाहे तो बहुत जल्दी बहुत कुछ बन सकता है और बन रहा है। आज अगर आप इस देखें आज के दौर में ही देख लें, जो गवर्नमेंट है जो मोदी जी की सरकार है इसमें क्या क्या चेंजेस नहीं मिलने को आ रहे, जो जानते हैं जो सुन रहे हैं जो पढ़ रहे हैं जो अपडेट रखे हुए अपने आप को वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो यही मेरे चैनल भी इसी के ऊपर है, अगर आप गौर कर नहीं मैं इंडिया की प्रोग्रेस के ऊपर है, मैं किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं कर रहा प्रमोट, लेकिन जो है वो मैं बता रहा हूँ तो उसी के ऊपर है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे क्या क्या सब कुछ चल रहा है, किस तरह चल रहा है, तो जाके फिर मैं बोलने पे आया हूँ उस चीज़ को। चलें खैर, बैकग्राउंड नॉइस बहुत है यहाँ पे मेरे, मैं दरअसल में दूसरे घर में आया हूँ, ससुराल में आया हूँ, वहाँ पे मैंने रिएक्शन तो देना ज़रूरी है तो ये सब कुछ है। खैर तो द थिंग इज़ कि भाई फ्लोरिश करेगा इंडिया, क्यों नहीं करेगा, और वर्ल्ड पावर भी बन जाएगा इंडिया। बात यह है कि भैया जब पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया के ऐसे सेंसिटिव जगहों पे इंडियन ही घुसे हुए हैं और वही जब चला रहे हैं ऐसे ऐसे मामलात को, तो फिर इंडिया क्यों वर्ल्ड पावर नहीं बनेगा? क्योंकि इस वक्त मैंने बताया ना आपको सबसे बड़ी वीकनेस हर मुल्क की, हर बड़े बड़े मुल्क की, बड़े क्लॉट्स का नाम दिया मैं, छोटे क्लॉट्स का नाम ही नहीं ले रहा, छोटे मुल्कों का नाम ही नहीं ले रहा, उनकी जो वीकनेस है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और वो ह्यूमन रिसोर्स ही इंडिया से ले रहा है, तो जब इंडिया के अंदर ही मौजूद है वो ह्यूमन रिसोर्स तो फिर बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, और आज देखने को मिल रहा है वो सब कुछ, आप देख सकते हैं। एक खास पुर्जा अगर खास जगह पे फिट हो जाए, राइट जगह पे फिट हो जाए ना, तो पूरी मशीनरी सही काम करने लग जाती है। चले गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।